नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ विनोद कुमार। टारगेट किलिंग थमने का नाम नहीं ले रही है और ये एक चिंता का विषय है। पड़ोसी मुल्क में चुनाव चल रहे हैं और साथ साथ बीती रात को टारगेट किलिंग हुई है, दो युवाओं की मौत हुई है। चिंता का विषय है और चिंता का विषय हो भी क्यों ना, जब पाकिस्तानी आका जो उधर बैठे हो, पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी संगठनों के आका किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने में नाकाम रहते हैं तो उनकी हर संभव कोशिश रहती है कि टारगेट किलिंग करवाई जाए। कुछ हम इम्पोर्टेंट तथ्य आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में नहीं थम रहा है टारगेट किलिंग, यानी टारगेट किलिंग थमने का नाम नहीं ले रही है। श्रीनगर में फिर टारगेट किलिंग की बड़ी एक घटना हुई है और काम करने वाले दो युवकों को गोली मार करके हत्या कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया, व्यापक तलाशी अभियान लगातार चल रहा है। आतंकियों ने पंजाब के दो युवकों को गोली मारी थी, आतंकियों की फायरिंग में दोनों की जान गई है। लगातार हमलावरों की तलाश जारी है। हमले के बाद भागने वाले आतंकवादियों के लिए व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ये 2024 में पहली सिलेक्टिव किलिंग है जो बाहरी या प्रवासी मजदूर की गई है। उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने कड़े शब्दों में निंदा की है और सांत्वना व्यक्त की है उन परिवारों के साथ जिन्होंने अपने इन बच्चों को खोया है। दूसरी सियासी जमातों ने भी इस पर बहुत ही चिंता व्यक्त की है। मोटे मोटे तौर पर हम बता दें कि पिछले साल भी 23 मई को अनंतनाग में एक सर्कस में काम करने वाले उधमपुर के युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। 13 जुलाई को शोपियां में तीन मजदूरों पर हमला किया गया था, तीनों को घायल कर दिया गया था। 21 अक्टूबर को पुलवामा में बिहार का एक व्यक्ति मजदूर भट्टे में काम कर रहा था, उसकी किलिंग की थी। इस किलिंग के बहुत सारे मतलब होते हैं, एक अपनी प्रेजेंस शो करना और दूसरी बड़ी बात ये रहती है कि लगातार लेने की कोशिश रहती है। अगर हम बात करें कि शाम 7 बजे आतंकी हमला हुआ, आतंकियों ने दो लोगों को गोली मारी, दोनों सिख समुदाय के लोग थे। आतंकियों की फायरिंग में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। अमृतसर के अमृतपाल की मौके पर मौत हुई थी। अमृतसर के रोहित की बाई तरफ पेट में गोली लगी थी। दूसरे घायल शख्स को भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया गया, उसको दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चलाया, जैसे मैंने पहले भी कहा कि व्यापक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस पर चर्चा करेंगे हमारे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरेंद्र सोनू हमारे साथ मौजूद हैं। सोनू जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ जगदीप सिंह, जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, जगदीप सिंह का भी स्वागत है। और फॉर्मर मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी का भी स्वागत है। चिंताएं हैं और मुझे पता है कि सियासी जमात के नुमाइंदे अगर डिबेट में होते हैं सियासत जरूर करेंगे, लेकिन ये चिंता का विषय सिलेक्टिव किलिंग हो रही है। शुरुआत मैं वीरेंद्र सोन से करूंगा कि एक तरफ सरकार ये टाल क्लेम करती है कि अमन आया है 5 अगस्त 2019 के बाद, जैसे जैसे कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आई है वैसे वैसे ही अमन की भी चिंता व्यापक बातें करते हैं कि अमन भी यहाँ पर आया है। क्या सोनू जी, इन दोनों चीजों में थोड़ा अंतर नजर आता है आपको? देखिए विनोद जी, सबसे पहले तो मैं ये जो दोनों युवक जो हैं जो कल हमले में जी मारे गए हैं, मैं इनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इन दोनों की आत्मा को शांति मिले जी। लेकिन विनोद जी, है आज बड़ा दुखद माहौल है, क्योंकि आपने जैसे पहले कहा कि सियासी जमातों के नुमाइंदे हैं, तो मैं नहीं समझता आज कुछ सियासी बात करने का भी दिन है ना कुछ सियासत करने का भी दिन है। मुझे बताइए, घर से निकलकर दो युवक कश्मीर में आए थे अपनी रोजी रोटी के लिए, वो गरीब ही होंगे बेचारे, जो अपना घर कोई नहीं छोड़ता विनोद जी, अपने घर से इतनी दूर अगर कोई आए हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, इनकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, इनकी किसी के साथ क्या, मैं समझता हूँ कि ना ये वहां के रहने वाले हैं ना इनकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। लेकिन आज दुखद बात ये है कि मैं पहले भी एक दो बार ऐसी बातों पर कहता हूं कि कितने एक ये टारगेट किलिंग हम जम्मू कश्मीर के लोग और देखेंगे,
कितनी माएं अपने बेटे गवाएंगी, कितनी बहनें अपने भाई गवाएंगी, कितनी सुहागनों का जो सुहाग है वो उजड़ जाएगा। आज इस बात पर सोचने की जरूरत है। हमारी बातों से ना तो अमृतपाल सिंह वापस आ सकेंगे, ना उनके परिवार का इतना जो दुख है वो हम कम कर सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर इंसानी नाते मैं कहता हूँ कि आज इंसानियत शर्मसार है, क्योंकि यह कत्ल इंसानियत का कत्ल है। लेकिन एक तरफ भी हम क्वेश्चन तो सरकार से सवाल तो लाजमी है जी। कि ये वजह क्या है कि टारगेट किलिंग थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ से सरकार ये कहती है आतंकवाद पर अंकुश लगा दिया गया है, जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर दूसरे महीने के बाद एक टारगेट किलिंग क्यों देखने को मिलती है, ये एक बहुत चिंता का विषय बन चुका है। मैं राहुल भट्ट का नाम लूं, प्रिंसिपल सतेंद्र कौर का नाम लूं, रजनी देवी का नाम लूं, दीपू का नाम लूं, चाहे वो जो भट्ठे पे मजदूर काम करने वाले थे उनका नाम लूं, आज इनका नाम लूं, मुझे बताइए कि ये सरकार से मेरा ये सवाल है कि आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, आप कहते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हो गए, लेकिन आप मुझे बताइए कि ऐसे वाकया रुकेंगे कब जी, ऐसे वाक्यों के ऊपर अंकुश कब लगेगा जी, कब ये होगा कि हर एक माँ का बच्चा जो कामकाज करने के लिए वहां गया है वो सुरक्षित होगा। शहरी की जान माल की सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी है जी। अगर इसमें कोई शामिल है, अगर कोई किसी पर शक है, तो भाई सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है? अगर जैसे उन्होंने जैसे हम ये घिसा पिटा बयान हम सुनने के लिए हमें मिलता है जी पड़ोसी मुल्क शामिल है, तो भाई आप मुझे बताइए आप 56 इंच का सीना चुप क्यों है? अगर पड़ोसी मुल्क शामिल है, अगर किसी ने ऐसा किया है तो सरकार के हाथ किसने पकड़े हैं जी? आपने जो लोगों से कहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद 370 जो थी मिलिटेंसी को खत्म करने में सबसे बड़ी बाधा थी जी। जब सरकार कहती है ना, बीजेपी कहती है, तो आज तो 5 साल हो चुके हैं, तो फिर आज परेशानी कहाँ है जी? आज क्यों नहीं आप जम्मू कश्मीर के लाठी कर पा रहे हैं? मैं कहता हूं कि टारगेट किलिंग क्यों मना, और सबसे बड़ी बात विनोद जी एक बड़ी बात है कि मनाटी की टारगेट किलिंग हो रही है, ये चिंता का विषय है ना, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जो सरकार ये दावे करती थी, आज सरकार के दावे कहाँ है? मैं कहता हूं कि पूरा देश, पूरी अपोजिशन पार्टियां आपके साथ है, आतंकवाद के कोई हक में नहीं है, सब लोग आतंकवाद के खिलाफ है। इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है किसी की जान लेना, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आज आपकी मंशा कहां है, आज आपकी बातें कहां है, कब ये हम इस मुसीबत से हमें सरकार से पूछ लेते हैं। चंद्रमोहन जी, जो बातें वीरेंद्र सिंह उन्होंने कहा है कि सरकार की मंशा, सरकार के दावे कहां है, लगातार सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, और आप ये दावे कर रहे थे 5 अगस्त 2019 के बाद जो संवैधानिक बदलाव हुआ, 370 में संशोधन किया गया, 35 अपील किया गया, उसके बाद अमन आएगा, आ रहा है और अमन है। आप तो बताते हैं कि कितनी फ्लाइट्स आई हैं, कितने टूरिस्ट आए हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, लेकिन उसके बावजूद भी सिलेक्टिव किलिंग निरंतर जारी है। सबसे पहले तो मैं जो हमारे जो भाई बिछड़ गए हैं दो जी, उनके लिए मैं बहुत संवेदना करता हूँ, और यही वाहेगुरु से, ईश्वर से, अल्लाह ताला से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे भगवान, हम सब उनके साथ हैं। यहाँ तक वीरेंद्र जी ने सारी बात की, मैं इनके साथ सहमत हूँ। इन्होंने जो जो कहा, आज सारा समाज, पहली बार ऐसा हुआ है जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की बागडोर संभाली है, तब से पूरा समाज आज कोई भी टारगेटेड किलिंग होती है, कहीं कोई घटना होती है, तो सब उसके बारे में चिंता करते हैं। लेकिन एक वक्त था जब उसके बारे में कोई चिंता नहीं करता था, जाता भी नहीं था। और पिछले 10 सालों से सुरक्षा में अगर मैं बात करूं, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर या पूरे देश की, काफ़ी सुरक्षा में फ़र्क पड़ा है। ये मैं अपने शहर की अगर बात करूं, तो क्या रुनास बाजार में बम फट रहे हैं, वहाँ बम फट रहे हैं, यहाँ बम फट रहे हैं, सांबा में अटैक हो रहा है, गोटा में हो रहा है, बॉर्डर में हो रहा है, जहाँ जहाँ हो रहा है, आज ये नहीं कोई कह सकता कि उसमें कमी आई है, कमी आई है, लेकिन कंप्लीट कब तक बंद होगा ये मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। टारगेट किलिंग के ऑपरेशन ऑल आउट हुए हैं, अलग अलग किस्म के आज हर जगह काम हो रहे हैं, और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, टूरिज्म भी आ रहा है, टूरिस्ट भी आ रहा है। मैं कल ही रात को टीवी देख रहा था कि इस भयंकर सर्दी में भी बर्फ पड़ रही है, तब भी कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सा टूरिज्म आ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, बिजनेस भी है, लोग भी आज पहली बार, आम शहरी जो है, आम, चाहे जम्मू की बात करूँ चाहे कश्मीर की बात करूँ, आज किसी की कोई किलिंग होती है तो निंदा करता है, एक ताप खड़ा होता है, कैडल मार्च निकालता है, ये करता है, लेकिन आज से 10 साल पहले कहाँ कोई इस किस्म का कोई माहौल था, आज माहौल बदला है, आज हालात बदले हैं। लेकिन आने वाले समय में और भी जो कमी रह गई है, उसको भी जो हमारे, चाहे मैं अपने जम्मू कश्मीर जो पुलिस है उसमें, चाहे हमारे जो पूर्व डीजीपी गए हैं, चाहे दिलबाग सिंह जी ने, चाहे अभी जो स्वयं साहब हैं, सब मिलकर
और आर्मी हमारी इस काम को लगी हुई है और हमारी होम मिनिस्ट्री, हमारी पूरे देश की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं पूरा काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उनको मौका मिल जाता है। पर ये जो लोग भूल जाए, जो इनके पीछे आका है, चाहे वो ये टारगेट किलिंग करने वाले, ये भूल जाए कि आपके ये किलिंग करने से या ये करने से कोई प्रवासी भारतीय नहीं आएगा वहाँ पे, या कोई और काम करने नहीं आएगा। मैं विनोद जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी ट्रेन वंदे भारत जाने वाली है। पूरा देश, आज देश ही नहीं पूरा विश्व आज जम्मू कश्मीर की तरफ देख रहा है और जम्मू कश्मीर के आने के लिए उत्सुक है। और आने वाले समय में आप देख लेना कितना बाहर से, जम्मू कश्मीर से नहीं, देश से विदेश से इतने लोग जम्मू कश्मीर की तरफ आ रहे हैं। आने वाले समय में ये जो लोग हैं अभी कुछ इक्का दुक्का रहे, अपने प्रेजेंस साबित करते हैं अभी हम हैं, लेकिन उनका भी आने वाले समय में छवाया हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हम यही ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, जो साथी हमसे छूट गए हैं उनको मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। जगदीप जी, इन्होंने कहा कि हम सब मिलजुल कर इसकी निंदा कर रहे हैं, जो भी आतंकी वारदात होती है, आतंकवादी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं उसके बाद हम सब मिलकर के, पहले ऐसा नहीं होता, मिलकर के निंदा करते हैं। लेकिन हमने तो ये भी देखा है कि पुलवामा में होता है तो उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक की जाती है, तो कांग्रेस क्यों सबूत मांगती है? विनोद जी आभार। सर्वप्रथम कांग्रेस की तरफ से, समुची जमात की तरफ से इन दोनों मृतकों के परिजनों के प्रति हमारी गहन और हार्दिक मार्मिक संवेदनाएं, और मैं इसके साथ ये मांग भी करूंगा कि जैसे उधमपुर के एक नौजवान की टारगेट किलिंग के बाद सोशल मीडिया को उसका कच्चा मकान बार बार दिखाना पड़ा था तो फिर जाकर सरकार सचेती थी, तो इस मरतबा कम से कम इनको जेन्युइन जो मुआवजा बनता है वो इनके परिजनों को, क्योंकि वो क्षतिपूर्ति तो हो नहीं सकती जो दो बेशकीमती जाने चले गई। और दूसरी बात, चंद्रमोहन जी भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता कि जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता जब प्रवक्ता आता है उसकी हर बात में मोदी जी का स्तुति गान क्यों होता है? मतलब बात आप कश्मीर की करेंगे, घूम फिर के बात मोदी जी पे आ जाएगी। चलिए, इन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में बहुत अंतर आया है, बहुत फर्क आया है, तो कुछ एक आंकड़े जरा मैं दिखा दूं जिससे स्थिति जो है ज़्यादा बेहतर स्पष्ट हो जाए। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के, ये जैसे आपने भी कहा, आपके मुखारबिंद से भी यही बात निकली कि टॉल क्लेम्स करती है धारा 370 की टूटन के बाद, तो देखिए 2022 में जो 12 अटैक्स नोटिस किए गए उसको तुलनात्मक ढंग से आप 2023 में देखो तो 29 हमले होते हैं जिसमें से 12 ग्रेनेड अटैक होते हैं, 3 पंचेस सरपंचेस की जान जाती है, 3 पंडित कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जो हैं वो जान से जाते हैं, एक लोकल महिला गायिका के प्राणों की आहुति लगती है, उसके साथ साथ एक राजस्थान से बैंक मैनेजर था जिसकी दफ्तर में घुसकर आतंकियों ने जान ली, और इसी तरीके से 26 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं वो शहीद हुए। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर हम तुलनात्मक ढंग से, कंपेरेटिवली इफ वी विल सी व्हाट द डिफरेंस विच द बीजेपी इज ट्राइंग टू प्रोक्लेम, दैट इज नॉट ऑन द ग्राउंड एट ऑल। मोस्ट प्रोबेबली इफ वी विल टॉक अबाउट पीर पंजाल पर्टिकुलरली, तो आप देखिए 24 से 26 महीनों के अंदर 20 से ज़्यादा हमारे जवान जो हैं वो शहीद हुए। आलम ये तक हो गया कि जहाँ कहीं हमारे जवान कोई सरकारी काम पे जा रहा है, कोई कॉन्वाई जा रही है, या कोई आर्मी के किसी बख्तरबंद ट्रक में वो जा रहे हैं, तो इस तरीके के हमले किए गए और इतनी मैं कहूँगा कि प्लानिंग के साथ हमले हुए कि जो पीर पंजाल कभी माना जाता था कि आतंक मुक्त हो गया है, आज वहाँ के सूरत हवाल क्या है ये आपने देखा। तो पहली तो बात, ये जो टाल क्लेम्स हैं इनके, ये जमीन पर कहीं नहीं है। और दूसरी बात, अब आपने सवाल उठाया कि हमने सवाल क्यों खड़ा किया पुलवामा हमले पे, जनाब हमने सवाल नहीं खड़ा किया विनोद जी, सबसे पहले सवाल खड़ा किया इस प्रदेश के आखिरी तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने, उससे पहले आपने सबूत मांगे थे, देखिए कहा था कि एक दो पेड़ गिरा करके वापस आ गए। चलिए मैं उसका जवाब भी देता हूँ, अच्छी बात है आप जब आप सवाल पूछते हैं तो तब आप बिल्कुल बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, तो फिर उत्तर भी आप सुन लीजिएगा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस ने अपने सुरक्षा बलों के हौसले को कम करने के लिए कोई इस तरीके की बयानबाजी दी हो, माफ कीजिएगा हमारा सब, एक मिनट आप सुन तो लीजिए ना, आप सवाल तो अपने आप में उनका मनोबल कम नहीं करना है, नहीं मैं बता रहा हूं ना प्रत्युत्तर में, देखिए हमारा हमारी मंशा को समझिए, जब 26 जवान हमारे सोए हुए जवानों पर कायराना हमला पाकिस्तान से ट्रेंड आतंकी करते हैं, उन उस वक्त निहत्थे जवानों के ऊपर, सोए हुए जवानों पर हमला होता है और उनकी जान चली जाती है, हमने स्कोर इवन किया,
लेकिन हमारा सवाल इस पर था कि मोदी साहब पीछे मंच पे शहीदों की फोटो लगाकर वोट मांगते हैं, उनका आप वो बयान सुनिए जिसमें वो कहते हैं कि इस बार के जो नौजवान हैं क्या वो अपना वोट जो है पुलवामा के शहीदों को देंगे। तो इस तरीके की जो बयानबाजी है, चाहे वो बालाकोट की बात हो, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, और सर्जिकल स्ट्राइक विनोद जी माफ कीजिएगा कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ, इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक होते रहे हैं, लेकिन उसको पॉलिटिकली कैश पहली बार किया गया, हमारा एतराज इस बात पर था। जी विनोद जी, जी मैं सुनू जी आपके पास आऊंगा, पहले चंद्रमोहन जी से पूछूंगा। इनका कहना है कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक को भी कैश किया और पुलवामा के शहीदों पर पोस्टर लगा करके उनके पर राजनीति की गई, ये 2019 के। जगदीप जी से मैं ये भाई से पूछना चाहता हूँ कि ये बात कर रहे हैं अभी 2019 के बाद या 370 हटने के बाद, ये पीछे चले ना 89 में, तो पहले इसका जवाब दे लीजिए ना। जब 89 शुरू हुआ था, किनकी सरकार थी? कांग्रेस और एनसी की। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से माइग्रेशन हुई, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ से चले गए। 89 से लेके 34 साल हो गए, 34 साल में इस जम्मू कश्मीर के अंदर क्या क्या हालत हुई, किसकी वजह से हुई, कैसे हुई, तो तब ये जवाब दें। आज ये कह रहे हैं, आज जो 10 साल से पिछले आप 24 साल निकालो और ये 10 साल निकालो, कंपेरिजन कर लो, आंकड़े निकाल लो, आज क्या हो रहा है तो पहले क्या हुआ था। जो कुछ ये आज मिलिटेंसी है, ये सब इनकी देन है, कांग्रेस एनसी और पीडीपी की, ये ऊपर से नहीं आई है, ये हमारे, हम इसको ठीक कर रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बार बार ये लोग कहते रहेंगे, अब ये भी मोदी जी का ही नाम ले रहे हैं, मुझे कह रहे हैं ये आप मोदी जी का नाम लेते हैं। आज कल की पार्लियामेंट की बात बताता हूँ, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं आपकी बार 400 पार, खड़गे जी भी बोल रहे थे हाँ 400 पार, तो ये आज की बात है, मोदी ही बोल, सब ये आने वाले समय में मोदी ही बोलेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि ये कहने को जो मर्जी करे, जब राजनीतिक में वोटों के बाद मोदी जी उसका फोटो लगा के, मैं नहीं चाहता अगर इनके पास कोई फोटो है तो मुझे दिखा दें जी, या आपके पास यहाँ टेबल में रखें जी। मोदी जी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ लेके चलने का, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जितनी चिंता मोदी जी को जम्मू कश्मीर की है, इसलिए हम मोदी जी का नाम लेते हैं, मोदी जी जम्मू कश्मीर मोदी जी के दिल में बसता है। आज अगर जम्मू कश्मीर इतनी तरक्की की राह पर है, उसका सारा श्रेय मोदी जी को जाता है। पिछले भी आप देख लो और ये वाले साल भी देख लो, आने वाले समय में आप देखना, ठीक है कोई ना कोई अपना कोई किसी को मौका मिले, दाव मिले तो वो कर जाता है, लेकिन जो आज हालत है, बड़े सुकून के साथ लोग जम्मू कश्मीर में, अगर जम्मू प्रोविंस की बात करूं, ठीक है जोरी में कभी मिलिटेंसी थोड़ी आ जाती है, आने वाले समय में जो समय आने वाला अगला वक्त आ रहा है 24 के बाद, इस पार्लियामेंट चुनाव के बाद, आप देखना इस देश की तरक्की और तमीर कहां तक ये देश उठ के जाता है। चंद्रमोहन जी थोड़ी सी आतंकवादी नहीं आए हैं पूंछ रजौरी में, जिनके बच्चे गए हैं उनको पता है, करीब 3 दर्जन से ज़्यादा जवान। जगदीप आता हूँ आपके पास, मैं पहले सोनू जी से जान लेता हूँ। सोनू जी, आप पर ये इल्ज़ाम लगते हैं, आप पर नहीं आपकी पार्टी पर ये इल्ज़ाम लगते हैं कि आतंकवादी मारा जाता है तो महबूबा मुफ्ती उनके घर में जाती है, और अगर मैं अब्दुल अजीज जरगर की बात करूँ, वो भी आपके ही नेता हैं, उनके घर में भी आतंकवादी ठहरे थे। देखिए विनोद जी, ऐसे है कि आतंकवादी ठहरने और ठहराने में और घुसने में फर्क होता है, शायद इस चीज को पहले समझने की जरूरत है। उनका घर एक गांव में था जो मिलिटेंसी अफेक्टेड था, वो काफी देर से उस घर में गए नहीं थे, वो कश्मीर सिटी में रहते थे श्रीनगर में। पीछे आतंकवादी घुस गया, आर्मी ने ऑपरेशन किया, उनको बाहर निकाल दिया। तो जरगर साहब ने कहां से आतंकवादी लाए थे? चलिए जी, नंबर 2 सुनिए, आपने बड़ी अच्छी सफाई दे दी। नहीं, मैंने सच बताया, आप यहां आप चाहे पुलिस रिपोर्ट निकाल सकते हैं, जो उस वक्त का सच है मैंने वो बयान किया। बिल्कुल। दूसरी बात आपने अभी की, अभी मैं चंद्रमोहन गुप्ता जी मेरे बड़े भाई हैं, बड़े जिम्मेवार पोस्ट पर रहे हैं, मेयर रहे हैं जम्मू के, इन्होंने कहा रजौरी पुंछ में थोड़ी सी मिलिटेंसी आ गई, थोड़ी सी। भाई मुझे आप बताइए, आप उन जानों का कोई सोच सकते हैं जिनकी माओ ने अपने बच्चे खोए हैं आपके थोड़े से लफ्ज से, उसके बारे में कभी सोच सकते हैं? भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, किसी माँ को ऐसा डांगरी का आंकलन नहीं किया, डांगरी का आंकलन कोई कर सकता है? टांग किसी की कहां थी, बाजू किसी की कहां थी? आप मुझे बताइए, चैनल पे बैठ के कह देना बड़ा आसान है, उस मां से पूछ के देखिए जिसका बच्चा चला गया, उस बहन से पूछ के देखिए जिसका भाई चला गया, और बच्चों को पूछ के देखिए जिनके सर से बाप का साया उठ गया, और नलायकी किसकी है? सरकार की। अब मैं 2 बातें यहां कहना चाहता हूं। अब इन्होंने कहा जी महाराज मोदी मोदी राजनीतिक, भी राजनीतिक बहस हम करने आए नहीं, मैंने पहले भी कहा, तो ना को प्राइम मिनिस्टर की हम वो उनकी मुखालफत करने यहाँ आए हैं। आज मुझे बताइए, अभी दीपू जी का जिक्र हुआ उधमपुर के, मैं उनके घर गया जब उनकी किलिंग हो गई ना विनोद जी, मैं मंजर दिखाता हूँ आपको। हाँ, 23 मई को हुई थी। जब मैं उनके घर गया विनोद जी,
ये स्वच्छ भारत की बात करते हैं, स्वच्छ पेयजल की बात करते हैं, हर घर पक्का मकान, उनके घर रोड से उनके घर जाने के लिए आधे घंटे का समय लगता था, और जंगल में वो रहता था, दो कच्चे कमरे उसके ऊपर टीन पड़ी थी, और एक बात आपको पता होगा कि दीपू की डेथ के 4 और 5 दिन के बाद उनके घर बेटा पैदा हुआ था, ये वो उनके घर बेटा उनकी डेथ के बाद 4-5 दिन, और जब हम उनके घर गए ना विनोद जी, जो बच्चा पैदा हुआ था ना, बच्चा पैदा हुआ था वो जमीन पे माँ उसको लेकर लेटी थी, सांप बिच्छू का पता नहीं कब आ जाएंगे, ये था इनका हर घर देने का सपना। दीपू गरीब नजर नहीं आया था इनको उस वक्त, इनका MLA था वहां, चलिए छोड़िए। उसके बाद जब सब पॉलिटिकल पार्टियों ने वहां शोर डाला, हमने कहा धरने दिए, भाई इसको अकोमोडेट कीजिए, इनको जो कंपनसेशन वो दिया जाए, आज तक उनको घर नहीं मिला, पक्के घर की ये बातें करते हैं ना, आज तक उनको घर नहीं मिला, दीपू का जिक्र आया तो मैंने छेड़ी ये बात। आप मुझे बताइए, आप दीपू की फैमिली को इंसाफ दे पाए हैं? जो चीजें आप कहते थे हम कर पाएंगे। अब मैं आता हूं आज की टारगेट किलिंग पे, ये जो आप कहते हैं पार्लियामेंट में जब कह दिया तो हो गया, भाई पार्लियामेंट कम, वो तो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव स्टेज ज्यादा है, वहां तो बात चुनाव की होती है, देश की तो बात ही नहीं होती। हम ये पूछना चाहते हैं तो इधर उधर की ना बात कर, बता दे काफला लुटा क्यों है, मुझे राजनों से गिला नहीं, तेरी रेबरी का सवाल है, हमें कुछ नहीं और किसी बात से आज लेना, आज आपको टारगेट किलिंग पर बात करनी पड़ेगी। आज आप क्यों बात को घुमा घुमा के ले जा रहे हो, 400 बात आप 800 बार हो जाओ, 500 बार हो जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश की जनता आपसे आज पूछती है, ये जो खोखले वादे आप लोगों ने किए थे, आज टारगेट किलिंग कब, आप 89 की बात करते हैं, क्यों ऐसा होता है जब जब भारतीय जनता पार्टी सेंटर में रूल करने आती है, जम्मू कश्मीर में मनाटी के ऊपर टारगेट किलिंग होती है, आप पूरा इतिहास पढ़ के देख लीजिए। आप कहते हैं मिलिटेंसी भी है, क्या हो गया, आप मुझे बताइए, वही जम्मू कश्मीर से 2002 में मुफ्ती साहब ने सरकार संभाली, कांग्रेस के साथ हमने सरकार की, तो यहाँ 85% लोगों ने बाय इलेक्शन में वोट डाले, मिलिटेंसी कहाँ थी, जम्मू कश्मीर पूरा खुल गया था। सोनू जी आपने बड़े बेबाकी से कहा कि ये पार्लियामेंट को भी, चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, उसको भी अपना ही मंच साबित करते हैं। बिल्कुल 370-35 से पार्लियामेंट में तोड़ा गया, 370 में अमेंडमेंट हुई, 35 में रिपील किया गया, 3 तलाक वाला बिल कहाँ लाया गया, ST का दर्जा पहाड़ी ट्राइब्स को कहाँ दिया गया, OBC कॉरेक्शन कहाँ दी गई, वाल्मीकि समाज को SC का दर्जा कहाँ दिया गया, क्या ये मंच भारतीय जनता पार्टी का मंच था? लोकसभा की गरिमा का आपको ख्याल रखना चाहिए। ये विनोद जी मैं जवाब दे दूं इस पे? जी, बहुत अच्छी बात आपने की, लोकसभा की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। जी, जब लोकसभा के अंदर एक चुना हुआ मेंबर पार्लियामेंट दूसरे मेंबर पार्लियामेंट को कहता हो मुल्ला वो कटवा नीचे बैठ जा, तब गरिमा का ख्याल किसने रखना था? आपको कितना बुरा लगा जब देश की पार्लियामेंट में ऑनरेबल स्पीकर साहब के बैठे हो रहा था, तो तब देश को कितना बुरा लगा होगा इसके ऊपर। मैंने ये पार्लियामेंट की गरिमा की बात की है, मेरे लिए पार्लियामेंट लोकतंत्र का मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है लोकतंत्र का, और मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा सौभाग्य होगा किसी आदमी का जो जीत के पार्लियामेंट में जाता है। क्यों? क्योंकि उसके उसके इलाके के 18 लाख वोटों का वो नुमाइंदा होता है, और उसने वहां जाके अपनी बात करनी होती है, इन कामों के लिए मेंबर पार्लियामेंट नहीं चुने जाते। मैं ये चुनावी दंगल चुनावी स्टेज इसलिए कहा मैंने कि जिस पार्लियामेंट में मेरे जैसे नौजवान की बात होनी चाहिए, मेरे जैसे गरीब की बात होनी चाहिए, महंगाई पर बात होनी चाहिए, वहां बात ये होती है बीजेपी 400 पार 500 पार, भाई ये तो लोगों का फैसला है, लोगों को फैसला कर लेने दीजिए, लेकिन जिस फैसले के लिए आप लोगों को चुना गया है सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है। आपको मेरी बात मैंने चैनल पे कही ना, जब पार्लियामेंट में हुई थी, बिल्कुल पार्लियामेंट में बात हुई थी, आपको आपके नहीं, आपसे उम्मीद नहीं करता था, जो कहा गया मैंने थोड़ी कहा, मैंने भी सुना है, सबने सुना है। जगदीप जी, विनोद जी अब थोड़ा सा वक्त मुझे भी दीजिएगा, हर मर्तबा मेरे साथ जाती हो रही है, वक्त मिलता नहीं है। देखिए सोनू जी सारा महफिल लूट के ले जाते हैं, लेकिन चलिए आज आपकी शिकायत हमेशा ही रही है, नहीं रही है क्योंकि है, ये दिख रहा है, चलिए यानी हो, इन्होंने जो बातें की बड़ी बजा की और बिल्कुल टू द पॉइंट की। अब मैं एक चीज जरा सबसे पहले पूछना चाहता हूँ, अभी मेरे मौजूद मेहमान भारतीय जनता पार्टी के ये कहकर हटे हैं इस आपके मंच से कि आप मुझे वो वीडियो वो फुटेज दिखा दीजिए जिसमें प्रधानमंत्री जी जो है वो शहीदों के नाम पर बोल, हेलो हेलो हेलो, क्या ये एक भद्दा मजाक नहीं है? एक ऐसा वीडियो जो पूरे हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए पूरे विश्व में वायरल हुआ, उस पर ये सवाल उठाते हैं। अब आइए जरा दूसरी एक अहम तरीन बात, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं की एक आदत बन चुकी है, जब कश्मीर पर बात हो कांग्रेस को लपेट दीजिए, कांग्रेस पे जिम्मेदारी डाल दीजिए, अगर और कुछ नहीं होता तो नेहरू जी को ले आइए। आप मुझे बताइए जब VP सिंह साहब की सरकार थी तो उस किसका था, जब कश्मीरी संतों का वहां से पलायन हुआ तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस लिया?
एक मिनट ये बात पूरी करने दीजिए, बीच में थोड़ा सा तो इंटरप्ट कीजिए, लेकिन अगर कोई पॉइंट बयान करता है तो बताइए। गवर्नमेंट किसने टॉपल की? देखिए सवाल यहाँ पे आप 87 ने रिगिंग हुई है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कांग्रेस के टाइम की देन है तो मैं बता रहा हूँ भाई साहब, जब कश्मीरी पंडितों का इतने बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, आपने कश्मीर फाइल्स बना दी, आपने एक तरफा सच दिखा दिया, लेकिन जब वहां पर पलायन हो रहा था तब सरकार में कौन था, क्यों वापस समर्थन वापस नहीं लिया, पहली बात। दूसरी बात भाई साहब मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ, अभी ये कहकर हटे हैं कि बड़ा विकास बड़ी बातें करके हटे हैं, मुझे एक बात का जवाब आप विनोद जी इस मंच से दे दीजिए, चार दिन पहले हमारी वित्त मंत्री ये कहती हैं देश की संसद के अंदर कि हमने 3 करोड़ मकान बनाए, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री हमारे 4 दिन के बाद कहते हैं हमने 3 करोड़ नहीं 4 करोड़ मकान बना दिए। आप मुझे बताइए एक हफ्ते से भी कम टाइम में 1 करोड़ मकान सरकार ने बना भी नहीं और बांट भी दिए, कौन भ्रमित कर रहा है इस देश को, क्या क्या समझते क्या है भारतीय जनता पार्टी के लोग और मोदी सरकार देश की जनता को, मूर्ख समझते हैं क्या? एक दिन एक मंत्री 3 करोड़ बोलता है, उसके 4 दिन बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री 4 करोड़ बोल देते हैं। और रही बात विकास की, अभी यहां पर मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं, इन्होंने दानी जी की बात की, आपने जब सवाल पूछा संसद की मर्यादा का, माफ कीजिएगा मुझे बताइए इस देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठी हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी को जब वहां पर संसद का उद्घाटन हुआ क्यों नहीं बुलाया गया, अधूरे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उनको क्यों उनकी शिरकत नहीं हुई जी। मेरा ये सवाल है कि जब आप विकास की बात करते हैं आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए, ये भाई साहब भी हमारे बात करके कई बार इस बारे पे बात करते हैं 450 रुपए के सिलेंडर की, आपको हैरत जी इस सवाल को देश की संसद में पूछा गया, पहली तो हैरत ये पूछने कैसे दिया गया, मतलब धनखड़ साहब और हमारे दूसरे जो बिरला साहब उन्होंने मौका कैसे दे दिया, लेकिन जो जवाब आया आप सुनकर हैरान होंगे, सरकार ने सीधे सीधे लफ्जों में कहा कि मोदी जी ने जो वो वादा किया था 450 रुपए सिलेंडर का राजस्थान में उसको देने की कोई योजना हमारी नहीं है। अब मेरा सिर्फ एक सवाल आपसे, इसके बाद आप अपनी बात रखिए, हमारे चंद्रमोहन गुप्ता जी अपनी बात रखे, मैं बड़े सम्मान इनको एक रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए दूसरों पर जिम्मेदारियां आयद करना बड़ा आसान है, आप कर देते हैं, जिस पार्टी ने इस देश को आकार दिया, जिस पार्टी की बदौलत आज ये देश उस जगह पर पहुंचा जहां से आप उसको आगे लेकर जा रहे हो, आज पिछले 10 सालों से आप हो, आप अपनी हर जिम्मेदारी को कांग्रेस में डाल देंगे जी, तो क्या ये समुचित बात है, इनका जवाब आप इनसे जी, जी जी जी। मैं आपके पास आता हूँ चंद्रमोहन जी, लेकिन पहले बता दूं लोगों को कि जम्मू कश्मीर में 5 सालों में अभी तक 579 आतंकी घटनाएं हुई, मारे गए 818 आतंकवादी पिछले 5 सालों में मारे गए, बड़ी फिगर है। ये सवालों का जवाब जो है नित्यानंद राय जो MS होम है, हालांकि लद्दाख में इस दौरान कोई भी घटना नहीं हुई, आतंकी घटना नहीं हुई है। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार की आतंकवाद की जीरो टॉलरेंस नीति है, 2019 से 2023 तक 579 आतंकी घटनाएं हुई, सेना ने 818 आतंकवादियों को ढेर किया है, मुठभेड़ में 247 सुरक्षा कर्मियों ने अपनी शहादत दी है, लद्दाख में कोई भी आतंकी घटना नहीं हुई 5 सालों का देखा जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने ये जानकारी हाउस में दी, चलिए मैं चंद्रमोहन गुप्ता जी से जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं बड़े ही सलीके के साथ जगदीप जी ने कह दिया कि कश्मीर फाइल में एक तरफा सच दिखाया गया है, क्या ये उन लोगों के सेंटीमेंट्स के साथ खिलवाड़ नहीं है जिनको रात में वहाँ से कश्मीर से जम्मू की तरफ निकाला गया? मैं इनसे यही दीदी भाई से पूछना चाहता हूँ कि ये बात तो कर रहे हैं अभी बीजेपी 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 की और कांग्रेस की, जो काम करता है वोट उसको मिलता है, कहने से चलाने से कुछ होने वाला नहीं है, 440 से आप लोग 40 पे आ गए, कोई ये लोगों ने वोट दिए बीजेपी को या कोई बीजेपी ने कोई झंडा घुमा दिया, आने वाले समय में फिर
अभी थोड़े दिन की बात है, अप्रैल में ही आ रहे हैं, अप्रैल में अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हमें हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अगर काम कर रही है लोगों के साथ मिली हुई, तो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। अगर कांग्रेस ने कोई काम किया तो लोग कांग्रेस को देंगे। बाकी जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जब जम्मू कश्मीर जब देश हमारा आजाद हुआ था, जब हमारी फौजें आगे पीओ की तरफ बढ़ रही थी, तब किसने सीज फायर किया था? एक दो दिन में हम पूरा पीओ के ले सकते थे। उस वक्त ये नेहरू की गलती थी, नेहरू ने सीज फायर किया। ये देश की पूरी जो स्टेट थी हमारे सारे, वो हमारे तब के होम मिनिस्टर पटेल साहब ने और नेहरू जी ने, ये जम्मू कश्मीर का मैं हूँ, मुझे ये मेरे हाथ में रहने दो काम। आज तक जम्मू कश्मीर का जो हाल हुआ है, आज तक हम लोग तो भुगत रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, जो पीओके में पीओजेके है जो हमारा, उधर क्या हाल था देखो आप, रोज टीवी में देखो क्या हाल, लोग तरस रहे हैं, हमारी बड़ी भूल थी, हम लोग वहाँ हैं। और वो चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, आने वाले समय में जो अगर जहाँ 370 हट सकता है या जहाँ पर और कोई काम हो सकता है, इतना निवेश हो सकता है, आने वाले समय में ये मसला भी जो है हमारा पीओजेके का, वो जो लोग आज हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान ही देख रहा है। यहाँ आटा अगर मिल रहा है 22 रुपये किलो, वहाँ मिल रहा है 70 रुपये किलो, क्या हाल है? लोग कहते हैं आने वाले समय में आप पूरा हिंदुस्तान आज पिछले 10 साल में अपने देश का वकार कहाँ चला गया? पूरे विश्व के अंदर आज कहीं भी कोई हमारा हिंदुस्तानी जहाँ हमारा कोई जाता है, उसकी एक रिस्पेक्ट है, कदर है, उसके पहले हमारी क्या हालत थी, ये भी हम लोगों को देखना चाहिए। आने वाले समय में आपने जो आंकड़े अभी देखे हैं, कितने मिलिटेंट 800 कितने मिलिटेंट मारेंगे और कितना 818 और सुरक्षा, ये जो एक दौर चल रहा है, आने वाले समय में ये जो इक्का दुक्का बीच में टारगेट किलिंग महीने दो महीने में ये लोग करते हैं, कोई ना कोई मौका देखकर एक गरीब आदमी के ऊपर, एक जो पटरी वाला कोई ऐसा कारपेंटर कोई ऐसा मजदूर आदमी के ऊपर, आपके पास अगर दम है तो करिए ना, सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ करिए आप उनके साथ, अन्यथा लोगों के ऊपर बार करते हो। इसका भी इलाज हमारे जो माननीय होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी ने, ड्यूटी के अंदर हैं हम लोग, एक एक बंदे का हिसाब किताब लिया गया। पहली बार ऐसा हो रहा है, जो कोई कमी वारदात होती है उनको विदिन डेज ही उनको नत्थे रिमूव किया जाता है और कब्र में जाया जाता है। ये जगदीप जी आपके लिए एक मशवरा है, सलाह है जो इन्होंने दी है, लेकिन आपके पास आऊँगा बाद में, पहले मैं जाऊँगा सोनू जी के पास और सोनू जी फिर पूछेंगे वही घिसा पिटा सवाल पूछते हो, बता काफिला लुटा कैसे, तेरी रहबरी का सवाल है। जब आपको सत्ता की ज़रूरत थी, उस मासूम बच्चे की जब मौत हुई और आपने कहा यह बच्चा वहाँ दूध लेने गया था, टॉफ़ी लेने गया था, क्योंकि तब सत्ता का नशा था, सत्ता की ज़रूरत थी, वो कुर्सी बेशकीमती होती है, उसके इर्द गिर्द नशा ही नशा होता है। देखिए विनोद जी, ऐसे है कि जिस बयान की आप बात करते हैं, मैंने पहली बार भी कहा अच्छी बात है आप करते हैं, मैं आज भी जवाब वही दूंगा, मैं मुकरूंगा नहीं आपके अपने जवाब से। मैडम महबूबा मुफ्ती साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे और एक घर के बड़े होने के नाते उन्होंने कहा था, बच्चे अपनी जान मत गवाओ, आप वहां मत जाओ, वहां जाओगे गोली चलेगी और गोली चलने से किसी माँ का बच्चा इस दुनिया से चला जाएगा, क्योंकि गोली किसी का लिहाज नहीं करती, गोली किसी की जात नहीं देखती, गोली गोली होती है। तो ये घर से बड़ा होने के नाते एक नसीहत थी कह लीजिए, या अपने कह लीजिए कि अपने बच्चों की तरह जो लड़के थे उनको समझाने की, तो इसमें बुरी बात कौन सी थी? उन्होंने तो यही कहा ना कि वहां मत जाइए। अभी मैं गुप्ता साहब की बात को सुन रहा था और मैं एक बात और कह दूं कि अगर हमें कुर्सी का लालच होता ना, कुर्सी का लालच, तो सरकार इनके बाद बीमारी बनती थी, लेकिन हमें कुर्सी का लालच नहीं था। हमने जो किया, जो आज तक किया है, ना किसी कुर्सी के लिए किया है, ना सत्ता के लिए किया है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किया है। बीजेपी के सरकार साथ अगर सरकार बनाई है तो भी झंडा ऑफ लाइन पर बनाई थी। क्यों? जम्मू रीजन के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, कश्मीर में पीडीपी को वोट दिया था और 2 महीने आपस में बातचीत करके एजेंडा ऑफ लाइन पर सरकार बनी थी। अब मैं बात आता हूँ आज के सिनेरियो पे। मेरे भाई गुप्ता साहब अभी कह रहे थे बात टारगेट किलिंग की थी जी, आटे पर आए भी आज आटा 22 रुपए किलो। गुप्ता साहब, मैं सुबह अपने घर के लिए आटा लेके आऊं, 38 रुपए किलो आटा बाजार में बिक रहा है। अगर बीजेपी के वर्करों को या बीजेपी की चिट्ठी में 22 रुपए किलो बिक रहा है, तो आप चिट्ठी आप दे दीजिए, हम लोगों में बांट दे, वो 22 रुपए किलो आटा तो ले लें, या वो दुकान बता दीजिए जहां से 22 रुपए किलो आटा मिल रहा है। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, नहीं नहीं, आपने आपने कहा हमारे हमारे देश में 22 रुपए किलो बिक रहा है, चैनल पे लोग देख रहे हैं, मैं झूठ बोलूंगा लोग उस पर फैसला कर लेंगे, आप बोलेंगे लोगों को जवाब देना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, मैं हम आज बात किस मुद्दे पर कर रहे हैं? आज आप फिर वोट और राजनीति, सरकार सत्ता वोट और राजनीति, 10 साल से आप सत्ता में हो ही हो ना भाई,
क्या परेशानी है? आप भी चार साल मेयर रह चुके हैं, आगे भी रहेंगे 10 साल। मैं कहना 50 साल रहो, लोगों को फैसला करने दो, लोग रहेंगे। आज भी आप ये वोट पर बात करना चाहते हैं विनोद जी, ये टारगेट किलिंग पर बात नहीं करना चाहते, ये मिलिटेंसी पर बात नहीं करना चाहते, बेरोजगारी पर बात नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ वोट। एक सवाल हम आपसे पूछ सकते हैं, आप बड़े होने के नाते उन्होंने कहा कि बच्चों को टॉफी या उधर नहीं जाना चाहिए था, कभी बड़े होने नाते उनको ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान को भी बोले कि आतंकवाद बंद करे? कभी ये एहसास हुआ कि बच्चों को कहे कि गन मत उठाओ, ये गन कब्रों के लिए बनी है? देखिए पता नहीं कितनी दफा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने पाकिस्तान को धमकी दी है, पाकिस्तान को धमकी दी है नौजवानों को। मुझे बताइए नौजवानों को मेन स्ट्रीम में किसने लाया? 2002 में जब हमने सरकार बनाई तब जम्मू कश्मीर के हालात क्या थे विनोद जी? 5 बजे के बाद टनल बंद था जम्मू कश्मीर में, 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था। मुफ्ती साहब जब आए, किसने उन्होंने किया? ये मुफ्ती साहब ने किया, आपने कुछ नहीं किया, आप ने नहीं, आप किसी से, आप किसी ने, हाँ वाजपेयी साहब, मोदी ने, सुनिए सुनिए वाजपेयी साहब, जो वाजपेयी साहब थे उनकी एक नीति थी बीजेपी, तो आप जानते हो, आप समझते भी हो उनकी नीतियों को, पहले ये सोच लो। आपकी आपका बच्चे पर चले तो उनका नाम भी आप कहीं मिटा दो, आप उनकी नीतियों को समझिए। उन्होंने कहा था हम बातचीत से मसला हल करेंगे, वाजपेयी साहब ने एक बुनियाद रखी, मुफ्ती साहब के साथ काम किया। उस वक्त मोदी साहब तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर मेरे ख्याल थे कि नहीं थे, मुझे ये भी नहीं पता। दूसरी बात आप सुनिए कि जब अथे होंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सबसे बड़ा काम मुफ्ती साहब ने किया। जैसे आपने कहा 89 के बाद जब मिलिटेंसी आई विनोद जी, 96 में जब चुनाव हुए कितने परसेंट लोगों ने वोट डाले थे? ये वही 2002 था जब बाई इलेक्शन आई मुफ्ती साहब के दौरान में 84% लोगों ने संग्रामा में वोट डाले, 80% रफियाबाद में लोगों ने वोट डाले। ये थी सत्ता, ये थी लोगों की सिस्टम के प्रति, हमने वो जो उनकी बेरुखी थी उसको ठीक किया। इसी हमने कभी जब मुफ्ती साहब 3 साल चीफ मिनिस्टर रहे उस पीरियड को गोल्डन ईरा कहा जाता जम्मू कश्मीर का। मुफ्ती साहब ने कभी अखबारों में बयान नहीं दिए आज 1 करोड़ टूरिस्ट आ गए, 50 लाख आ गया, 20 लाख आ गया, 40 लाख आ गया। उन्होंने ग्राउंड पर काम करके बताया। आप बताइए आपने क्या किया? मुझे आपको पता होगा, आप मुझे बताइए, आप तो एक G20 का सबमिट नहीं करा पाए कश्मीर में, आप तो गुलमर्ग में, आपको करवाया ना गुलमर्ग में, कैंसिल क्यों किया? नहीं गुलमर्ग में कैंसिल क्यों किया? जम्मू में क्यों नहीं करवाया? गुलमर्ग में आपने कैंसिल किया ना, कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? वो आपकी नाकामी है। तो जम्मू तो बिल्कुल बिल्कुल साफ सुथरा था, जहां तो मिलिटेंसी थी नहीं। यहाँ अच्छा बात कही है रजौरी पुंछ की, भाई पीर पंचाल के लोग, एक वक्त था जहां मिलिटेंसी, जब भाई पिछले 25 साल से वहां मिलिटेंसी नहीं थी। उधमपुर में कभी बम ब्लास्ट आपने सुना था विनोद जी? आप मुझे बताइए किस तरह की नॉर्मलसी की बात करते हैं? एनकाउंटर सरेना में हो रहे हैं, बंगलापुर में हो रहे हैं, आपके राज में सब कुछ आपका आपके पास है, फिर भी पहले तो आप कहते थे जी कश्मीरी हमें काम नहीं करने देते, 370 बहुत बड़ी बाधा है, अब ना 317 ना कश्मीरी लीडरशिप है। अब आप मुझे बताइए कि आपकी हालत ऐसी क्यों है? चलिए 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 जवाब देना पड़ेगा। अब जब जगदीप से जानते हैं, जगदीप जी आप भले ही उनकी हिमायत कर रहे हैं लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कल कह दिया कि वो 3 सीटों पर ही चर्चा करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब आपको बताना होगा कि अगर ऐसी ही किलिंग यूपीए के कार्यकाल में कश्मीर में हुई होती तो इन्होंने जम्मू बंद करवाया, या तो आपको अपोजिशन करना नहीं आती है या फिर आपको ढंग नहीं है विपक्ष की भूमिका निभाने। विनोद जी लोग ही नहीं सार हैं, क्या बंद कराएं? अब चंद्रमोहन जी जरा 2 मिनट हौसला रखिए और सुन लीजिए। पहली तो बात विनोद जी, जहां तक सवाल आपने विपक्ष की भूमिका का कहा है, तो हम लोग पाखंड और ढोंग नहीं करते इनकी तरह, बंद करके आम जन को परेशान नहीं करते। विरोध प्रदर्शन का सिलसिला निरंतर चलता रहा है और आज अगर आप देखेंगे इस मुद्दे पर, अगर हमें लगा कि मुआवजा जेन्यून नहीं मिला या आगे सरकार ने कोई संजीदगी से काम नहीं किया तो निश्चित तौर पर विरोध होगा। लेकिन अब मैं विनोद जी आज मैं मतलब आजीज आ चुका हूँ और मैं आज एक चीज पूछना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा, हर बार घूम फिर कर बात नेहरू जी पे क्यों आती? अभी इन्होंने क्या बोला कि जनाब 2 दिन, वही जो इनके बड़े नेता वहां से बोलते हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियों का फैलाया हुआ झूठ, इनके वो प्रोफेसर जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियों के हैं वो वहां से बोलते हैं, यहां के कहानी सुना देते हैं। आप मुझे बताइए 1.5 साल वो युद्ध चला, मैं आपको एक लेटर बताता हूं, 73 नंबर है इस लेटर का जो सरदार पटेल साहब ने लिखा मसूरी में बैठ के। मैं उस लेटर के अगर लफज पढ़ दूं तो माफ कीजिएगा, मेरे पास मुझमें हिम्मत नहीं है कि मैं उस वक्त की जो उनकी दलीलें उनको पढ़ दूं। पटेल साहब, मैं फिर भी परोक्ष रूप से बता देता हूं, ये पटेल साहब के लफज थे कि भाई 1.5 साल हमने इस युद्ध को खींचा है, इस ठंड के माहौल में हमारी आज की जो उस वक्त की मौजूदा इनकी हमारी सेना थी वो इस स्थिति में नहीं थी कि युद्ध को और ले जाते। और यूएन में जाने की बात करते हैं, भाई जब 2 मुल्कों के बीच की बात होगी, माफ कीजिए तब कश्मीर भी एक मुल्क था, जब तक विलय नहीं हुआ तो कहां जाते? मुझे बताइए कहां जाते?
नागपुर जाते इनके, कहां जाते? यूएन में जाना था ना, और यूएन में अगर हम गए, एक मिनट में मुझे बात यूनिलैटरल सीज फायर का भी बता दी, मैं बता देता हूं ना, यूनिलैटरल सीज फायर की बात सुनिए, यूएन ने क्या कहा, उससे हम जीत हासिल करके आए, यूएन में पाकिस्तान को मानना पड़ा कि शदम बेस में हमारी सेना उसमें शामिल थी, ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, और उसी यूएन में ये फैसला हुआ कि जब तक एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पूरी नहीं होती जनरल संग्रह नहीं होगा, ये जीत थी हमारी विनोद जी। और एक और बात बड़ी अहम तरीन, बार बार नेहरू जी, आप नेहरू जी को जिम्मेदार नेहरू जी क्यों नहीं कहना शुरू कर देते, उनके कपड़े जाते हैं पेरिस लॉन्ड्री में, आप कहते हो पेरिस चले गए, वो सिग्नेचर करते हैं संविधान की प्रस्तावना पर, आप कहते हो जी हमारे राष्ट्रपति महोदय के लिए आपने जगह नहीं छोड़ी, अब कल मोदी जी वहां खड़े होकर कह रहे हैं कि संसद के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री के आरक्षण के ऊपर कोई एक लेटर ले आए, आप बताइए कोड कीजिए कहां से आया वो लेटर, मैं कोड करके बताता हूं आपको, आरक्षण की बात करने वाली इस पार्टी को क्या इनकी सोच थी बाबा साहब बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में, सावरकर समग्र को खोल के पढ़िए आपको पता लगेगा उन्होंने क्या लफज इस्तेमाल किए बाबा साहब के लिए, कि अगर आप बौद्ध धर्म में जाते हो तो हिंदुओं को सूतक नहीं पड़ जाएगा जी, और अगर देखिए लफज देखिए, अंबेडकर भिक्षु बनता है तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हिंदुओं की सहनशीलता का इम्तिहान मत लीजिए, ये तो आपकी वो थी संवेदनाएं थी उनके प्रति, और उस बाबा साहब की आप बात करते हो जिसको कांग्रेस ने संसद में लाके संविधान सभा का चेयरमैन बनाकर इस देश का संविधान रचा, हर बात पर आप नेहरू जी को ले आओगे घुमा फिराकर आप, मैंने अभी इनसे बात की कि मोदी जी ने झूठ बोला, मैं ये यहां बड़े सम्मान के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मुझे एक बात बताइए वित्त मंत्री झूठी है कि मोदी जी संसद में खड़े होकर ये कहते हैं 3 करोड़ कहां और 4 करोड़ कहां, एक हफ्ते में 1 करोड़ मकान कैसे बने, इसका जवाब दे दीजिए, और यही आपकी स्मृति ईरानी हंगर इंडेक्स पे बोलती है, एक और बात सुन लीजिए, जवाब और दे दीजिए, नहीं मैं बिल्कुल देता हूं, हंगर इंडेक्स पर स्मृति ईरानी क्या बोलती है कि 3000 लोगों को फोन कॉल करके ये डिसाइड कर लिया जाता, यूनेस्को के आंकड़े लिए गए, WHO के आंकड़े लिए गए, ये तो इनके मंत्रियों का ज्ञान है, व्हाट्सएप ज्ञान जिसको लेके ये घूमते हैं, और हर बात में घुमाकर, आप 10 सालों से सत्ता में हो, आपने क्या किया, आप इसका जवाब दीजिए जी, 450 का सिलेंडर आप देने का वादा करते हो, बाद में आप संसद में मुकर जाते हो, मोदी साहब ने 2 करोड़ नौकरियों की बात की, कहां गई वो 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख को खुद अमित शाह ने जुमला बताया, आप मुझे बताइए माननीय गृह मंत्री हमारे, तो क्या है कि इस देश के साथ, और एक और आखिरी बात, अभी इन्होंने बोला बड़े दावे के साथ कि आपने बड़ा टाइम इन्होंने क्या बोला, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इतना करारा थप्पड़ मारा सुप्रीम कोर्ट ने आपके मुंह पर जब उन्होंने इसके ऊपर बयान दिया जो चंडीगढ़ में हुआ, उन्होंने कहा लोकतंत्र की हत्या हुई है, इस तरीके से आप चुनाव जीतेंगे, अगर आप कितने ही सच्चे सुच्चे हैं तो आप ईवीएम की क्यों नहीं करवा देते, वो वीवीपैट की नंबरिंग क्यों नहीं करवा देते, जवाब ले। देखिए चंद्रमोहन जी, सवाल यह है कि जो चंडीगढ़ मेयर का इशू हुआ है या फिर लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरीके से 150 से ज्यादा सांसदों को निकाला है, लोग आप पर उंगली उठा रहे हैं कि आप लोकतंत्र की कसीदे पढ़ने वाले और अनुशासित पार्टी का दावा करने वाले ये इस तरीके से लोकतंत्र का गला दबाएंगे, ये विपक्ष कह रहा है हमने कभी कल्पना नहीं की। देखिए विनोद जी, पहली बात तो यह है, अभी वीरेंद्र सोनू जी बोल रहे थे कि 18 लाख पे एक जो हमारा नुमाइंदा चुन के जाता है जी, और कितना उसके बाद पार्लियामेंट के एक दिन का कितने करोड़ पे खर्चा होता है उस पर, अगर कोई वहाँ जाकर काम ना करे, अपनी बात जो रखनी वो ना रखे, हल्ला गुल्ला ही करे, उसके लिए जो नियम है वो हैं वो होते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं कि चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ में जो हुआ वो हुआ ही है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ भाई नहीं हुआ, जो अगर कोई गलत होगा तो गलत सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट के पास हर को हक है जाने का, वो जाएगा, अगर गलत होगा तो कोर्ट उसको गलत साबित करेगा। संयम पे कोतवाल तो फिर डर काहेगा, अभी आपको किससे डर लगता है, आपको डर लगता है किसी से नहीं है, आपका जो प्रेसाइडिंग अफसर है ऐसे कैमरे को देख के टिक लगा रहा है, आप अभी भी कहते हो उसको डिफेंड करते हो चंदनों पे, वो गलत आदमी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसने लोकतंत्र का कत्ल किया है, उसने जब देश की आस्था के साथ खेला है, आप कैसे उसको डिफेंड कर सकते हो चैनल पे, उसको कहिए वो चोर है, उसने चोरी की है, आपकी आंखों में कहने भी की है, चुनाव वाले नुमाइंदों के साथ चोरी कर रहे हो, आप कारपेंटरों की वोट को नजायज कर रहे हो, जो सुप्रीम आप बताइए किस डेमोक्रेसी की बात आप करते हो, आपको तो शर्म कहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट है हमारे पास, फैसला ये मानेंगे, इन्होंने कहा हर कोई मानेंगे, कौन सा शान करेंगे, ऐसी नौबत क्यों आई, बताइए क्यों किया ऐसा,
ऐसा हुआ क्यों? करेगा ना कोर्ट, करेगा ना कोर्ट तो कर लेगा ना। आप लोगों को जो जिम्मेवारी थी संविधान को बचाने की, दोनों जी ने जो बात की एक ही चीज पूछूंगा, वो कहां गई? बड़े सम्मान के साथ क्या ईवीएम पे वीवीपैट की जो गिनती है वो नहीं हो सकती? इतना हक भी इस देश के लोगों को नहीं है, इसका जवाब दे दे। चलिए छोड़ दीजिए चंडीगढ़ को, छोड़ दीजिए झारखंड को, चंद्रमोहन जी से मैं सात सम्मान पूछता हूँ, इसका जवाब दे दीजिए। क्या इसमें आपको दिक्कत है कि वीवीपैट की गिनती हो जाए, 100% मिलान उसका हो जाए? क्या इसकी में आपको कोई आपत्ति है? क्यों नहीं मानती आप? विनोद जी, जब ये लोग चुनाव जीते हैं, कर्नाटक में जीते हैं, तब ईवीएम ठीक है, जब हारते हैं चंडीगढ़ भी जीते थे आपके प्रेसिडेंट के असर में आते हैं, जब चंडीगढ़ भी जीते थे। जगदीप जी हमारे बड़े बाबा साहब की बात कर रहे थे, इनको पूछिए अगर बाबा साहब इतने अच्छे थे रिजर्वेशन पूरे देश में दे दी, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं दी? चलिए क्यों नहीं दी? 10 साल के बाद नहीं, कांग्रेस ने, कांग्रेस क्यों नहीं दी? बाबा साहब क्या बोलाशन की बात चल रही है, रिजर्वेशन की बात है, आपने क्यों नहीं दी जम्मू कश्मीर के अंदर? जम्मू कश्मीर की बात जम्मू में नहीं बोल रहा है आप, बाबा ऐसी बात नहीं, बाबा साहब की क्रेडिबिलिटी मैं कह रहा हूँ, आप बोल रहे बाबा साहब आपके माफी भी सावरकर ने कहा। वीरेंद्र सोनू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चंद्रमोहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते ये सवाल जरूर पूछूंगा मैं जगदीप जी से, मैंने पूछना चाहता था लेकिन इन्होंने मुझे समय नहीं दिया। कहते हैं कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस बड़ी गंभीरता से पाखंड नहीं करती है, गंभीरता से विपक्ष की भूमिका निभा रही है, लेकिन हमने वो दृश्य भी देखा था जब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा बर्फ के गोले एक दूसरे पर फेंक रहे थे। दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।